यूपी के बुलंदशहर में स्वॉट टीम दो थानों की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है। जी हां, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए के दो इनामी कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों लुटेरों के कब्जे से दो तमंचे व दो जिंदा कारतूस बरामद करने का दावा भी किया है। पकड़े गए लुटेरों पर एक एक दर्जन संगीन मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये हैं बुलंदशहर के रहने वाले 25,000 रुपए के इनामी लुटेरे जावेद व रहीस, जिन्हें बुलंदशहर के स्वॉट टीम कोतवाली देहात व शिकरपुर पुलिस ने घेराबंदी करके उस समय मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया जब दोनों किसी वारदात को अंजाम देने शिकरपुर की तरफ जा रहे थे। जी हाँ, पुलिस की माने तो दोनों कुख्यात लुटेरों की बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस काफी दिनों से तलाश में जुटी हुई थी। दोनों लुटेरों पर दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। अशोक अरेस्ट क्या है, दोनों बदमाश जो है इनामी बताए जा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? क्राइम ब्रांच कोतवाली नगर और शिकारपुर की संयुक्त टीमों के द्वारा दो पुरस्कार घोषित अपराधी जावेद और रहीस गिरफ्तार किए गए हैं। इन पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का पुरस्कार घोषित था। ये दोनों कुख्यात लुटेरे हैं और कोतवाली देहात से गैंगस्टर एक्ट में तथा लूट की घटनाओं में वांछित चल रहे थे। ये एक बड़ा अच्छा कार्य स्वाट टीम के द्वारा थाना पुलिस के सहयोग से किया गया है, जिसमें इनकी गिरफ्तारी के पश्चात इन्हें जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से क्रमशः एक एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों बदमाशों पर कितने कितने मुकदमे दर्ज हैं और ये किस प्रकार लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं? ये दोनों अभियुक्तों के ऊपर दर्जनों अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें से लूट और 307 IPC के अभियोग पंजीकृत हैं। ये बेसिकली तमंचे से फायर भी कर सकते थे और तमंचा दिखा करके कैश लूट करते थे। इस प्रकार की इनकी घटनाएं संलिप्तता पाई गई। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।